रही हूँ केक, तो यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और उसी के आधे कप पिसी हुई चीनी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, और उसके ऊपर मैंने डाल लिया है ऑयल, और उसके बाद इसको कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए, तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है वनीला एसेंस, तो इसको अच्छे से अब मिक्स करेंगे, गांठें नहीं रहनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दूध और इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर दूध डाल के मैंने इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, और कोको पाउडर मैंने डाला है 2 चम्मच। यहाँ पर मैंने कोको पाउडर भी मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको इसमें सांचा है जो केक बनाने का उसमें डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरह के बनाए थे, कोको पाउडर वाला भी और सिंपल, तो दोनों को यहाँ पर मिक्स कर लिया है। और इसको अब मैं डालूंगी कुकर के अंदर, तो कुकर को मैंने पहले से ही गरम करके यहाँ पर रखा हुआ था, और इस तरह से इसको थोड़ी देर 30 मिनट के लिए हम यहाँ पर बंद कर देंगे। और ये हमारा केक रेडी हो चुका है, इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट बना है।